हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं और आपके रिक्वेस्ट पर बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे का तीखा तीखा पानी। किन किन चीजों से अपने गोलगप्पे का पानी तैयार करते हैं, ये हमने एक कटोरी साफ करके हरा धनिया ले लिया है, इसको हम अपने मिक्सी के जार में डालेंगे। ये एक चौथाई कप पुदीना। अब हम इसमें आधा चम्मच सफेद नमक डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक। हमारे यहाँ मिर्च कम खाते हैं इसलिए हम पानी को ज्यादा तीखा नहीं करेंगे, सिर्फ चार हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपके यहाँ तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये हमने एक कप बारीक, एक चम्मच बारीक अदरक को काट लिया है। ये एक चम्मच चाट मसाला और ये दो चम्मच नींबू का रस, या फिर इसकी जगह अगर हम चाहें इसकी जगह पर इमली का पल्प या फिर हम दो चम्मच अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस जार में अपना आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको बारीक पीस लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको सूप छलने की सहायता से इसमें छान लेंगे। अब हम इसमें आधा लीटर पानी और ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें, हमने ये पहले से ही काली मिर्च और जीरे का पाउडर रोस्ट करके तैयार किया हुआ है, अब हम इसको अपने गोलगप्पे के पानी में डाल देंगे और एक पिंच हींग भी हम इस पानी में डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ मीठा पानी पसंद करते हैं तो इसमें दो चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे मीठा पानी नहीं खाते हैं इसलिए इसमें चीनी ऐड नहीं करूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा पानी दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें आधा कटोरी बूंदी ऐड करेंगे और इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। अब हम इसको अपनी पानी पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।